कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला कृष्ण वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, हरिनाम की वस्तु, जो हरिनाम है ये क्या है, क्या वस्तु ये हरिनाम है? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, हरिनाम अचेतन पदार्थ नन किंबा कल्पित वस्तु नन दृश्य पदार्थ विशेष नन दृश्य जगत रे कौन वस्तु नन। हरिनाम भगवत अवतार साक्षात भगवान। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो हरिनाम है ये कोई अचेतन पदार्थ नहीं है। तो ये क्या है? बोले ये चेतनता है। ये कोई कल्पित वस्तु नहीं है। जैसे कोई है अपना मनमानी ढंग से बोल दिया ये कोई कल्पना विषय है, कहती है कोई कल्पना का वस्तु नहीं, कहती है कोई दृश्य पदार्थ विशेष नन। इसलिए इसी जगत में ये कोई दृश्य वस्तु नन दृश्य जगत रे कौन वस्तु नन, कहती है जड़ जगत का कोई वस्तु भगवान का नाम नहीं है। हरि नाम भगवत अवतार साक्षात भगवान। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना सची माँ को कहते बोले माँ कलयुग में मैं दो रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। बोले दो रूप क्या है? कहते एक अर्चा अवतार है और एक श्री नामा अवतार है। कहते दो रूप में कलयुग में मैं अवतीर्ण ग्रहण करूँगा। जो व्यक्ति कलयुग में ये दो वस्तु को आश्रय ग्रहण करेंगे उसको जरूर भगवत प्राप्ति होएगा। एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान की ये अर्चा विग्रह है। इसलिए नाम ही हरि और हरि नाम, मतलब जो भगवान का नाम है वही हरि है और जो हरि है वही भगवान का नाम है। नाम अप्राकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु, कभी जो नाम है वो अप्राकृत और ये परिपूर्ण भी भगवान का नाम। कहते भगवान का जो नाम है कभी ये क्या है, कभी ये सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं। इसलिए मीरा कहती है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। सुमिरे नाम रूप गुण देखे कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे। नाम को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, राधे राधे। साड़ी खेचत हारा दुशासन साड़ी बढ़ाए राम, हरि से बड़ा हरि प्रभु का नाम। इसलिए मीरा कहती हैं जिस समय द्रौपदी ने भगवान का नाम को पुकारे, जिस समय गजराज हैं एक केवल कमल फूल लेकर के भगवान को केवल अर्पण कर दिया, बोले भगवान को जीवन में दो बार जल्दी मची है, एक द्रौपदी की वस्त्रहरण का समय में, दूसरे गजराज की उद्धार समय। इसलिए उन्होंने केवल ना रा केवल दो अक्षर बोले, इतने में
सुदर्शन चक्र आकर के उन्होंने मगरमच्छ को काट डाले। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान का नाम है कि ये सर्वशक्तिमान भगवान का नाम, किसी भी समय भगवान का अगर नाम उच्चारण करेंगे तो कहते सारे शक्ति भगवान की नाम में ठाकुर ने दे दिया है। इसलिए नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, इसलिए भगवान को ये चिंता रहती है मेरे नाम कभी बदनाम नहीं होनी चाहिए हैं। इसलिए कहते अप्राकृत नाम स्वयं वस्तु नामी, कहते नाम स्वतः प्रकाश वस्तु, कहते जो अप्राकृत नाम है कहते ये साक्षात कौन है, कहते स्वयं कृष्ण है, कहते ये जो नाम स्वतः प्रकाश वस्तु है, कहते ये जो भगवान का नाम ये स्वाभाविक रूप में ये भगवान का प्रकाश, ये भगवान का नाम है। इसलिए कहते कृष्ण केवल एक बार जगत में उधार, कृष्ण केवल जगत में एक बार अवतीर्ण हुए, राम केवल जगत में एक बार अवतीर्ण हुए, और उन्होंने कितने लोगों को उद्धार किया है, बहुत कम लोगों को, है ना। इसलिए उसी समय में जितने भगवान के भक्त लोग थे उन लोगों को उद्धार किया, बल्कि कृष्ण किसको उद्धार किया ही नहीं, क्योंकि भगवान जब आए अपना परिकरों को लेकर के आए, अपना परिकरों के साथ लीला करके ठाकुर जी चले गए। लेकिन कभी ये जिह्वा के ऊपर में कभी जब जब भगवान का नाम उच्चारण होता है ये जिह्वा ही क्या हो जाता है, भगवान की माँ बन जाती। राम कृष्ण केवल एक बार प्रकट हुए हैं, लेकिन जब जब ये जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण होता है ये जिह्वा क्या हो जाता है, भगवान की माँ बन जाती, भगवान की माँ। इसलिए जिन जिन भक्तों को भगवान ने रक्षा की है, हाँ जिन जिन भक्तों को भगवान रक्षा की है, कहते नाम को द्वारा ही भगवान को रक्षा किया। अभी तक भी जो व्यक्ति भगवान का नाम को ग्रहण करते हैं अभी भी उनको उद्धार हो रहा है, रक्षा हो रही है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, इसलिए कलयुग में नाम ही सर्वश्रेष्ठ है नाम। इसलिए प्रभुपाद यह नाम की बहुत बहुत विशेषण दे रहे हैं, भगवान का नाम कद स्वतः प्रकाश है, नाम अप्राकृत, नाम ही स्वयं नामी, अप्राकृत नाम ही उनका गुण है, अप्राकृत नाम ही उनका परिकरबान है, अप्राकृत नाम ही उनका लीलामय है। इसलिए भगवान का नाम ही कलयुग में सब कुछ, ठाकुर जी का नाम ही सब कुछ है। जैसे हनुमान जी लंका में गए हैं, हनुमान जी लंका में गए तो उनके साथ में कौन गए, नाम ही उनको साथ में गया। इसलिए जब उन्होंने भगवान का राम का नाम लिया हैं, बस समुद्र को उन्होंने कूद गए समुद्र को। इसलिए जिस समय भगवान पुल बांध रहे थे, भगवान देख रहे थे, बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरे नाम को पत्थर के ऊपर लिख करके छोड़ देते हैं, वो तैर रहा है, और उसको कैसे जैसे जुड़ेगा कैसे, एक पत्थर के ऊपर रा दूसरे पत्थर के ऊपर माँ लिख रहे थे, वो अपने आप जुड़ रहा था, सीमेंट का काम कर रहा था। भगवान ने सोचे मैं भी एक दो पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ क्या होता है, बोले अगर सबको सामने डूब गया तो मेरा नाकानी कट जाएगा। भगवान झाड़ी को अंदर में जा करके जब उन्होंने पत्थर को फेंके देखा वो डूब जा, बोले ये क्या है, मेरे नाम को लेकर के ये पत्थर को छोड़ रहे हैं, तैर रहा है, मैं स्वयं राम अब पत्थर फेंकता हूँ क्या हो रहा है, ये पत्थर तो डूबते जा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा भगवान कहाँ गए, प्रभु जी कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते देखा भगवान झाड़ी को अंदर में छुप करके, बच्चे जैसे पत्थर को पानी में फेंकते हैं भगवान भी ऐसे पानी में फेंक रहे हैं। इतने में हनुमान जी बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चे जैसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो, बोले तू कहाँ से आ गया, बोले प्रभु आपको छोड़ करके मैं तो रह नहीं सकता हूँ, बोले प्रभु आप बच्चे मेरे अंदर में बड़ी शंका आ गई, बोले किस चीज की, बोले तुम लोग मेरे नाम को लेकर के पानी में पत्थर फेंकते हो, ये पत्थर तैरता है, मैं स्वयं राम अब पत्थर फेंक रहा हूँ वो डूबते जा रहा है,
मैं तो समझ में नहीं आ रहे। बोलो बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात। बोले कौन सा सीधी सी बात है? बोले क्यों पत्थर तैर रहा है? चूंकि आपका नाम का सहारा लिया है। और ये डूबते क्यों जा रहा है? आप पत्थर को छोड़ दे रहे हो। फेंकना मतलब आप उसको छोड़ दे। अगर जगत में हर दुनिया का मालिक आप हो, अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दे, वो कभी तैर सकता है? वो तो डूब ही जाएगा। वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए भगवान का जो नाम है कहते ये साक्षात है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन है, हे मन हरि नाम कर सार, हे मन हरि नाम कर सार, हे भव सागर हबे बालो चर, हटिया ही बे पार, हे भव सागर हबे बालो चर, हटिया ही बे पार, आ धर्म कर्म ए जप ए तप, ज्ञान योग जाग ध्यान, नहीं 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 कलि ते केवल उपाय गोविंद नाम, हे मन हरि नाम कर सार, भुकति मुकति जगति से गति, ताहे ना करी रति, मेघेर छाया जुड़ा न जे मन, कहना से कोन गति, बदन भरिया हरी हरी बोले, हे मन सुलभ कवे, भारत भूमि ते मानुष जनम, आर किए मन हवे, जते का पुराण प्रमाण देखना, नामेरा समान नाई, नामेरा ती हईले प्रेमेरा उदया, प्रेमे ते हरि के पाई, श्रवण कीर्तन कर अनुक्षण, असतप चाल छाड़ी, नम सफल करना भाई, हे मन हरि नाम कर सार। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कहते हे मन हरि नाम कर सार, भगवान का नाम को ही जीवन में सार बना दो। इस अगर प्रभु का नाम को सार बनाओगे तो क्या होगा? कहते ए भव सागर हबे बालूचर, कहते भगवान का नाम लेते ही ये जो भवसागर है वो रेती की चरा जैसे होता है ना, रेती की चरा जैसे बन जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? चलते 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 फिर सागर में डूबो नहीं, सागर को पार हो जाओगे। कहते धर्म कर्म एजप एतप ज्ञान योग जगत ध्यान, जितने तरह का धर्म कर्म है, जप तप ज्ञान योग ध्यान, कहते नहीं 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 कलि ते केवल उपाय गोविंद नाम। भले कलयुग में कोई उपाय नहीं, केवल भगवान का नाम ही एक उपाय है। कहते भुक्ति मुक्ति, जो तरह तरह का लोग कहते भुक्ति मुक्ति ये वो है, कहते खबरदार उसमें किसी में भी रति मत करो, किसी चीज में भी तुम रति नहीं करना। कहते मैं घर छाया जुड़ा नहीं जीवन, कह ना से कौन गति, जैसे मेघ की छाया, जैसे सूरज को जैसे मेघ छाया तरह ढक जाता है ना, ऐसे ही ये जितने तरह का धर्म कर्म और जितने हैं, ये कहते शुद्ध भक्ति को ये ढकने वाले, प्रभु के नाम को ढकने वाले, इसलिए उसमें रुचि मत करो। क्या करो? बदन भरिया हरी बोलो, एमन सुलभ कवे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म आर की एमन हवे। वो कह रहे हैं कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म फिर क्या दोबारा होगा? हाँ,
इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले भैया ये धन्य कलयुग है, महाप्रभु इसी कलयुग में आए और इसी जीवन में हमें भगवान ये मानव शरीर दिया। अगर इसी जीवन में भगवान का नाम करने के लिए कोशिश नहीं करोगे ना, फिर तो कहते करोड़ों युग में भी तुम्हारी उद्धार होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए क्या करो, बदन भरिया हरि हरि बोलो, एमन सुलभ कहे। जो दूसरे दूसरे युग में जो भगवत प्राप्ति का जो उपाय था बड़ा कठोर साधन था, तपस्या करो, रोज यज्ञ करो, पूजा से, लेकिन कलयुग में केवल ये होठ स्पंदन होते ही, होठ हिलते ही भास भगवान का नाम अपने आप होने लग जाता है। इसलिए सुलभम भगवत नामम जिह्वाच वशवर्तिनः तथापि नरकम जाति किम आश्चर्य तपः। इसलिए कहते हमारी जो जिह्वा है अपना बस में है, और सुलभ भगवत नाम नहीं, तुम हरि नाम करने पर तुमको इतने पैसा लगेगा, बा ये करना पड़ेगा, तुम हरि नाम कर रहे हो, बोले अत्यंत अत्यंत सुलभ है भगवान का नाम, जिह्वा भी तुम्हारी अधीन में, बड़ा आश्चर्य की बात है, तब भी ये जीव नरक जा रहे। इसलिए कहते भैया बदन भरिया हरि हरि बोलो, इसलिए क्या कर, बदन भर करके खूब भगवान का नाम लो, उठते बैठते सोते भगवान की नाम लो, भगवान की नाम लो। हाँ, इसलिए जतेक पुराण प्रमाण देखो ना मेरे समान नहीं, जितने पुराण जितने उपनिषद हाँ जितने ग्रंथ देखो, कहते भगवान के नाम के बराबर जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है हाँ। इसलिए गो, 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 क्या एक श्लोक है, गोकटी कन्या दान प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, हाँ ऐसे गोविंद नाम नासम समस्त हाँ, क्या गोकोटि दानम प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, उसके बाद में उसके बाद स्वर्ण दानम मेरु सूत्र ऐसे करके फिर गोविंद नामम ना समस्तम सब ऐसे कहे किसी के बराबर भी नहीं है, भगवान के नाम के बराबर, कहते पहाड़ की बराबर सोना कोई दान दे दे, पहाड़ की बराबर सुवर्ण कोई दान दे दे, गोकोटी करोड़ करोड़ गैया कोई दान दे दे, कल्पवास कहते श्री प्रयाग में जितने कल्पवास कर लो, लेकिन गोविंद नाम के बराबर जगत में कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान की नाम के बराबर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहते ना मेरे समान नाई, ना मेरे अति है ले प्रेम रे उदय प्रेमित हरि ते पाई, अगर भगवान के नाम का प्रति अगर रति हो गया ना, वाह नाम को द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कीर्तन कर अनुक्षण असत पचाल छाड़ी, कधार समय क्या करो, भगवान का नाम कीर्तन भगवान के स्मरण करो, असत पचाल छाड़ी मतलब जो बेकार का जो बात कभी कभी करते हैं हैं, बिना कारण के जो बेकार बात करते हैं उसको छोड़ कर क्या करो, भगवान का नाम कीर्तन करो श्रवण करो। कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करना भाई, इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते भैया ये जीवन पाकर क्या करो, ये जीवन को सफल करो, ये जीवन को ऐसे नष्ट मत करो। कहते अप्राकृत नाम ही रूप, भगवान का नाम ही उनका रूप है, अप्राकृत नाम ही उनका गुण है, अप्राकृत नाम ही परिकर वैशिष्ट और अप्राकृत नाम ही उनकी लीला, मतलब भगवान का नाम ही रूप गुण लीला सब कुछ भगवान का नाम। नाम और नामित कौन भेद नहीं, नाम नामित में के कोई भेद नहीं, अप्राकृत नाम शब्द ब्रह्म, भगवान ही कलयुग में अपना नाम रूप में अवतीर्ण हुए शब्द ब्रह्म रूप में, सही नाम सही कृष्ण, कहते जय नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, जो नाम वही कृष्ण उसको निष्ठा करके भजन करो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतीर्ण, कलयुग में भगवान नाम रूप में ही भगवान जगत में अवतीर्ण हुए हैं। विभु चेतन हरि नाम कथा बोलते पारेन,
कहते विभु चेतन हरि नाम कथा बोलते पारे, कहते भगवान का जो नाम है ना, ये साक्षात भगवान का नाम, ये बात कर सकता है। भगवान का जो नाम है ये बात कर सकता है। जिनी हरि नाम करें तीनों चेतन वस्तु, कहते जो व्यक्ति हरि नाम करते हैं वो भी चेतन वस्तु है, हाँ जो हरि नाम करते वो भी चेतन वस्तु है। तीनी बोलचेन हे हरि नाम आमी तुम्हार दास तुम्हार अनुगत स्वीकार कर लाम। इसलिए भक्त लोग क्या कहते, बोले हे नाम मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अनुगत्य को मैं स्वीकार करता हूँ। जिन्हें हरि नाम करते प्रवृत्त हन तीनी हरि नाम प्रभुर भृत्य, कहते जो व्यक्ति हरि नाम करने के लिए प्रवृत्ति होता है, मतलब हरि नाम की ये वृत्त सेवक है साक्षात कृष्ण, कृष्ण नाम रूप एखाने ऐसे कृष्ण स्वयं जीवों को बड़े कल्याण करने के लिए क्या किया, हरि नाम रूप में इस जगत में आए हैं। ऐ जने हमारा हरि नाम के ही सम्यक रूप आश्रय करवो और कार्य काछे जावो ना। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, कहते केवल भगवान का नाम कहीं हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, कहते और कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम को ही आश्रय ग्रहण करो, इसी से ही जीव का परम कल्याण परम मंगल है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कीर्तन लिखते हैं, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, जसोदनंदन आनंदवर्धन, दत्कनाय रस कोप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, पोतन घातन त्रिणावर्तन, सकट भंजन गोपाल, मोरली बादन अघव कमार्दन, गोवर्धन धारी रा काल, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते जो भगवान का नाम है, कितने भगवान का नाम है, जसोदानंदन आनंद वर्धन नंदतन्य रस कूप, कहते जो भगवान का नाम ये रस का ही कूप है, रस का सारी भगवान की नाम है। इसलिए क्या करनी चाहिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात नाम नाम, भगवान का नाम का एक श्लोक में बड़ी विशेषण दिया है, बोले नाम चिंतामणि, भगवान का नाम क्या है, चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो मांगो भगवान का नाम से वही मिलेगा, भगवान नाम से, इसलिए उनको चिंतामणि बताए, नाम चिंतामणि। फिर बोले नाम क्या, बोले ये स्वयं कृष्ण है, नाम चिंतामणि कृष्ण, बोले ये चेतनता स्वरूप है और ये रस विग्रह है, रस का स्वरूप भगवान का नाम। इसलिए नाम लेते लेते ही अपने आप इससे रस प्रकट होता है। इसलिए माधवेंद्र प्रभु का जीवन में बताए, कहते ये थे अजाचक वृत्ति, ये कभी किससे कुछ मांगते नहीं थे, कुछ नहीं मांगते थे, अगर अपने आप अगर उनको कोई दे देता था फिर ये खा लेते थे, अभी जब कोई दिया नहीं फिर क्या करते थे,
जब कोई उनको कुछ नहीं देते फिर खाते थे क्या? तो वहाँ पर कहते हैं जब भगवान का नाम करते थे ना, कितना कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाए भक्ति बिना प्राण, नाम बिना किछो नाही कार चौदह भुवन माजे। इसलिए कहते हैं जो भगवान का नाम कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। कहते भगवान का नाम को क्या बताए? कृष्ण नाम अमृत है। कहते करिया पान, इसको पान करो जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। कहते भक्तिविनोद ठाकुर का प्राण को संतुष्ट कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर कब संतुष्ट होंगे? जब कृष्ण नाम सुधा को तुम पान करोगे। हैं कहते नाम बिना किछु नाही कार चौदह भुवन माझे। जगत में प्रभु का नाम के सिवाय जगत में कुछ है नहीं, है कुछ नहीं। इसलिए कहते भगवान का नाम को अमृत है। माधवेंद्रपुरी जब हरि नाम करते थे, ये हरि नाम से ही अपने आप अमृत निकलता है। नाम से ही अमृत, जब शुद्ध नाम होगा। अभी तो हमारे नाम अपराध है, हैं अभी हमारे नाम अपराध है, इसलिए भगवान का नाम से हमें अमृत नहीं दिखता है। लेकिन जब शुद्ध नाम उच्चारण करेंगे, बस ये नाम सुधा अमृत को पान करते करते वो तृप्त हो जाते, उनको कोई खाने का कोई जरूरत नहीं। इतना एक चूर्ण मठा पीते थे, इतने मठा पी कर कोई जिंदा रह सकता है? बोला इतना थोड़ी सी दिन भर में इतना मठा लो और पी लो, कोई जिंदा रह सकता है? रह ही नहीं सकते इतना मठा पी करके। लेकिन सारा दिन भगवान की नाम कीर्तन करते थे, बस उससे ही अमृत निकलता है, उसी से अमृत निकलता है। कहते हैं कभी चाना कभी ओ भी मना। गोस्वामी लोग जब भजन करते थे, कभी थोड़ी सी चाना खा लिया, कहते ओ भी मना, मतलब ओ भी कभी कभी नहीं मिलता था। तो ये लोग कहाँ कैसे खाते थे, जिंदा कैसे रहते थे? हाँ कहते भगवान का शुद्ध नाम जब करते हैं, नाम से ये अमृत निकलता है, उसको पी करके ही ये तृप्त रहते, उसको पी करके ही वो तृप्त रहते थे। इसलिए भगवान का नाम को क्या बताया? भगवान का नाम चैतन्य रस विग्रह, ये पूर्ण, ये शुद्ध, ये नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। तब किसने प्रश्न किया प्रभुपाद को? नाम संकीर्तन की मंगल सबख्या सहज और श्रेष्ठ उपाय। कहते ये भगवान का जो नाम संकीर्तन, क्या मंगल लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय और सबसे सरल श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं नाम छड़ा द्वितीय पंथा होते पारे ना। कहते नाम को छोड़ करके और कोई दूसरा पंथा है नहीं, है इसलिए यह जगते जादेर कौन कीर्तनाई ताराई हरि नाम करें। बोले इस जगत में जिसका और कोई कीर्तन नहीं है, करने का विषय और कुछ नहीं है, कहते वही क्या करते हैं? भगवान का नाम को ग्रहण करते हैं। नाम संकीर्तनई एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय। कहते नाम संकीर्तन ही एकमात्र जीविका, परम उपाय, परम उपाय। एतत व्यतीत अध्यक्ष ज राज्यर प्रवेश अन्य कौन उपाय नाही। बोले भगवान का नाम को छोड़ करके अगर कोई भगवत राज्य में प्रवेश करना चाहता है, और कोई उपाय कलयुग में नहीं। केवल नाम को आश्रय ग्रहण करने पर इसी से ही धीरे धीरे हमारी चेतु दर्पण मार्जन होगा। रूपी कुमुदनी प्रकाशित होगा। इसलिए भगवान के नाम को द्वारा ही इस जीवन में सब कुछ प्रकाशित होता है। कहते नाम संकीर्तन ही एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उपाय। कहते भगवान का नाम क्या है? कहते भगवान का जो नाम है, यही नाम ही हमारे जो जीवन का जो लक्ष्य है, केवल भगवान का नाम। इसलिए जब महाप्रभु को, जो ब्राह्मण महापुरुष जब दक्षिणी यात्रा करने गए थे, उनके मन में
एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था? जीव का साधन क्या और जीव का साध्य क्या है, मतलब हम जीवन में साधन क्या करें और जीवन में प्राप्त क्या करें। बहुत लोगों को उन्होंने प्रश्न किया लेकिन इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सके, सही सही नहीं दे पाए। तब तो उन्होंने रात को स्वप्न देखा, कोई एक दिव्य महापुरुष सन्यासी आए हैं और उनने इसका उत्तर दिया। सचमुच से सवेरे महापुरुष से भेंट हुई। जब महापुरुष से भेंट हुई बोले प्रभु अब कृपा करके ये बताइए जीवन में साधन किया और जीवन का साध्य क्या है। बोले भगवान का नाम ही एक साधन है और जो साध्य प्राप्ति भगवान का नाम ही साध्य है, मतलब साधन ही भगवान का नाम और जो अंतिम जो प्राप्ति है वो भी भगवान का नाम ही प्राप्ति, इसलिए सब कुछ भगवान का नाम ही है। एकमात्र उपाय नाम संकीर्तन व्यतीत द्वितीय उपाय नाई, भगवान का नाम को छोड़ करके और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आर नाम संकीर्तने जे प्रेमा लाभ है तद व्यतीत अन्य कोन परम लक्ष्य नाई। ऐ जने शास्त्र बोल छेन, की बोल छेन? हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए शास्त्र में कहते तीन तीन बार हैं, इसको तीन तीन बार बोले। बोले तीन तीन बार क्यों बोले, इसको तीन तीन क्यों बार बोले? उसका पहला कारण बताए, किसी बात को अगर तीन बार बोल दो ना वो पक्का हो जाता है। और दूसरा कारण बोले हम कहीं बार बोलेंगे नहीं, एक बार बोलने पर हम चीज को सुनेंगे नहीं। एक बार क्या, तीन बार बोलने पर भी हम नहीं सुन रहे हैं। तीन बार बोलने पर भी देखो हम उठते बैठते सोते हरिनाम कर सकते हैं, जैसे हाथ में सेवा करो भगवान का नाम, हर समय भगवान का नाम लेते नाम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तभी तो इतना सुन सुन करके भी तभी भगवान का नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही, भगवान की तब भी इतना सुन सुन करके हैं तभी भगवान का नाम में रुचि हमारी हो नहीं रही है। अन्य कोन उपाय नाई नाई नाई, तीन बार निषेध करा होए चे, तीन बार निषेध की भगवान के नाम के सिवाय कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। पूज्येत भगवान हरि, भगवान कलयुग में नाम को द्वारा ही भगवान की पूजा है, इसलिए भगवान का पूजा नाम को द्वारा ही। जगत में भगवान की पूजा कुल नाम को द्वारा ही, इसलिए जीवन में क्या करनी चाहिए? ए मन हरि नाम कर सार, जीवन में भगवान का नाम को ही जीवन का सार बना लो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ बोले एक समय कुछ साधु लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे करके एक साधु ने प्रश्न किया, बताओ युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? किसी ने कहा सत्य युग सबसे बढ़िया था, क्योंकि वो सत्य युग को कृत युग बताया। कृत युग मतलब है सत्य युग में जो धर्म का जो चार चरण हैं वो पूर्ण रूप में सत्य युग में
चार ही चरण पूर्ण रूप में रहता था, इसलिए उसको बताया कृत्य जो, कृत्य मतलब होता है सबके सब का जीवन धन्य था। इसलिए भली भैया सत्य युग जैसे जगत में और कोई युग, इसे उसका नाम है सत्य है। सत्य मतलब क्या है, सबके सब सच्चा था, सबके सब सत्य था। किसने कहा, मैं तो सोचता हूँ तृतीय युग सबसे बढ़िया था। भले क्यों, कहते उसमें कहते गोस्वामी जी आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीन तरह का जो दुख है किसी को ऊपर में नहीं व्याप्त करता था। सबके सब प्रसन्न भगवान, सभी की भाषा समझते थे। हम कहते राम राज मैं तो सोचता हूँ द्वापर युग सबसे बढ़िया था। बोले क्यों, बोले द्वापर युग में पूर्ण ब्रह्म स्वयं कृष्ण आए। कहते लता स्वपी को बा प्रेमोदो भवती, कहते भगवान ये लता पताओं को भी उन्होंने प्रेम दिया है। ऐसे कोई अवतार जो लता पताओं को भी जो प्रेम प्रदान करे, हाँ कृष्णादन्य को बा हाँ प्रेमोदो भवती, कृष्ण के बगैर जगत में ऐसे कौन व्यक्ति लता पताओं को जो प्रेम दिया। फिर कृष्ण कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, हाँ। और विशेष करके सत्य युग में नारायण की उपासना करते थे, नारायण उपासना करते थे और उनको लास्ट में नारायण की भक्ति वैकुंठ गति होती थी। तृतीय युग में उससे थोड़ी ऊपर द्वारका, संकेत धाम, भगवत धाम, राम अयोध्या को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में जब कृष्ण का चरण को आश्रय ग्रहण करते, उनका स्थान कहाँ पर, गोलक वृंदावन, गोलक उनको वृंदावन प्राप्ति हुई है। इसलिए बोले भैया कृष्ण को छोड़ करके, इसलिए कहते ना पूर्ण ब्रह्म सनातनम कृष्ण अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्त्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसलिए एतचास कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहते स्वयं भगवान जन्म हुए, इससे बढ़िया क्या हो सकता। धर्म कृष्ण का प्रभाव में धर्म भी चार चरण में रहते थे, द्वापर युग में भी धर्म चार चरण में रहते थे। यद्यपि तृतीय युग था लेकिन धर्म तभी भी चार चरण में रहते थे। किसी ने कहा भैया कलयुग को मैं सोचता हूँ सबसे बेस्ट कलयुग है, कलयुग बेस्ट। बोले क्यों, बोले कलयुग में कौन आए, बोले सच्चिदानंद गौर हरि आए, श्रीमन महाप्रभु आए, हैं महाप्रभु आए। और महाप्रभु आकर के उन्होंने क्या किया, बोले हे मन गौर बिना नाही आर, हे न अवतार हवे की होए छे, हे न प्रेम परचार आदुरमति अति पतित पाषंडी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल हे मन गौरवी नानाई आर। इसलिए कहते ये कलयुग सबसे बढ़िया युग है। बोले क्यों, बोले दूसरे दूसरे युग में कठोर तपस्या करके जो वस्तु को प्राप्त करते थे, हैं जो वस्तु को प्राप्त करते थे कलयुग में, बजा या करताल, केवल बस करताल बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस इतना ही। ज्यादा करताल होता है हाथ, ताली में ताली, बस थोड़ा ताली बजा करके भगवान का नाम को जप करते हुए, कहते ब्रह्म कंगाल पाइया खाइल नाचिया बजाइया करताली। करताल बजा करके ब्रह्मा शंकर नारद प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रेम को आसानी से प्राप्त किया है। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम का भी कोई जरूरत, बढ़िया युग कलयुग है। केवल भगवान का नाम कीर्तन करते ही बस दुर्लभ वस्तु को
प्राप्त, कलयुग ज्यादा महत्व है। और इसी कलयुग में कहते हैं सत्य त्रेता द्वापर, ये तीन युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। केवल इतना नहीं कि जो व्यक्ति महाभागवत है, जो महाभागवत व्यक्ति भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? महाप्रभु का चरणों का आश्रय करते हुए महाप्रभु प्रेम को हैं, महागौर प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कलयुग में आए, महाप्रभु का धारा में आए। लेकिन और क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए, भगवान का नाम को हर समय भगवान का नाम को जप करनी चाहिए। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरि नाम की।